तो हम बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या है, क्या एक्सेल कोई फीचर्स है या माइक्रोसॉफ्ट ने कोई अलग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है कि हाँ एडवांस एक्सेल, या माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं बोला है कि ए ऑप्शंस है एडवांस है, ए ऑप्शंस बेसिक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहीं कहा कि कोई टॉपिक एडवांस है या कोई टॉपिक बेसिक है। एडवांस हो या बिल्कुल बेसिक हो डिपेंड करता है हमारे यूज पे। अब इसके लिए आपको हम एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 30 है। अब मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे 30 रिप्लेस बाय 20, राइट। लेकिन इसी के ऊपर मैं अगर पेस्ट स्पेशल करता हूँ और पेस्ट स्पेशल में मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड, तो क्या होगा? अब दोनों के बीच एड में कर एडिशन होगा और रिजल्ट 50 सेव होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा और इसका रिजल्ट आई थिंक 1000 यहाँ पे स्टोर, राइट सर। तो देगा। आपने क्या जाना? आपने जाना कि पेस्ट स्पेशल में हम ऑपरेशंस के अंदर ऐड डिवाइड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन होके पेस्ट होगा। तो इसको हम बेसिक एक्सेल कह सकते हैं। कोई किसी भी ट्रेडिंग सेंटर, जो बड़े बड़े टेक जो होता है ना, फलाना टेक सलाना टेक वाले सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं, जो आपको जाएंगे बड़ी सी बिल्डिंग होगी, एक बहुत ही खूबसूरत महिला मुस्कुराती हुई रिसेप्शन पे होगा, लंबी चौड़ी फीस होगी और सीखने के बाद एक लंबा चौड़ा सर्टिफिकेट आपको देती है। तो वो आपको क्या बताएगा? यही बताएगा कि किस ऑप्शन को कैसे अप्लाई होता है, राइट सर। लेकिन 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 अगर आपके पास प्रैक्टिस आप कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा देते हैं और कुछ लाइफ के कुछ ठोकरे खाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसको ऑफिस में यूटिलाइज कैसे करना है। लेकिन किसी वर्किंग प्रोफेशनल के पास आते हैं, जैसे मेरे पास आते हैं, इसको हम थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाएंगे। अब देखिए एक वर्किंग प्रोफेशनल यानी कि हम जैसा ट्रेनर आपको कैसे पढ़ाएगा, जिसके पास नहीं कोई बड़ी सी बिल्डिंग है और ना मुस्कुराती हुई खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट है। और सर्टिफिकेट तो दूंगा लेकिन वो लंबी चौड़ी वाली सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। तो क्या सिखाएगा आपको? ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा ये नौकरी डॉट कॉम पे अवेलेबल, मतलब लिंक से अवेलेबल होगा। जी, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, आप एक बार देखिए तो सही। ठीक है, पहले एक बार जानिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज लिखना चाहता हूँ, तो 20% का सिंबल टाइप किया तो परसेंटेज हो गया। लेकिन अगर मैं 20 को टाइप कर दिया, इसको सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे परसेंटेज का एक लगाया सैम्बल, तो क्या होगा? 2000%। क्यों? क्योंकि एक्सेल में 1 = क्या होता है? 100%। इसका मतलब है कि आपको परसेंट बाद में अगर लिखना है तो 0.20 करके फिर इसके ऊपर परसेंट का सैम्बल देना। ओके सर। अब यही एक प्रॉब्लम हुई कि हमारे एक कलीग मुझे एक फाइल भेजते थे जिसमें कुछ नंबर्स होते थे और नंबर्स की हेडिंग जो है वो दे देते थे परसेंटेज में, ठीक है। अब उनके वजह से, उनके हिसाब से 23% है, बट एक्सेल क्या करता है? 23 इन द नंबर, मतलब मुझे 500 का अगर 23% निकालना हो, अगर परसेंट फॉर्मेट में हो तो क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई होगा। जी लेकिन अगर 23 इन द नंबर फॉर्मेट, दैट टाइम क्या होगा सर? अब मैं इसमें सेलेक्ट करके बिल्कुल एंटर प्रेस करूंगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी सर? तो मल्टीप्लाई कर देगा जी हाँ, मल्टीप्लाई कर देगा, तो मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करके डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम यह है कि मैं जहाँ इस डेटा को यूज करना चाहता हूँ वहाँ हम अपने फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों का डेटा है। सो मुझे इस डेटा को कॉपी करके अपने डेटा, अपने रिपोर्ट में, अपने डेटा में डालने से पहले इसको यहाँ मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, कि मैं एक एक सेल पे जाऊं और यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगाऊं। लेकिन ये थोड़ा सा बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा जब आपके पास डेटा हजारों लाखों में होगा, क्या सर? एक्सेप्ट राइट राइट दूसरा तरीका है कि मैं इसको 0.23 कर दूं,
और फिर इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल है। तो ऐसा किया जा सकता है, लेकिन एक बार में सारा डेसिमल में कन्वर्ट कैसे होगा, इसके लिए हम यूज करेंगे जो अभी अभी आपको मैंने बताया पेस्ट स्पेशल वाला टॉपिक, वही इस्तेमाल करेंगे। हमें किसी एक सेल में टाइप करेंगे 100, इस 100 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिए पे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड। तो हर नंबर जब 100 से डिवाइड होगा तो डेसिमल में चला आएगा, और इसको इजीली हम परसेंटेज लगा के परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी कंपेयरिंग करें कि एक ट्रेनर जो आपको सिखाया सेम चीज सिखाया कि वो डिवाइड करता है, लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल यानी कि मैंने आपको सिखाया एक प्रॉब्लम देन उसका सोल्यूशन। तो मैंने ऐसा क्यों बताया, ऐसा इसलिए बताया कि मैंने अपने रियल लाइफ में इस प्रॉब्लम को फेस कर रखा है। हमने इस प्रॉब्लम को इमेजिन नहीं किया है, हमने इसको फेस किया है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर बड़े बड़े जो एफटेक कंपनी जो होती है, बड़े बड़े जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, तो वो आपको क्या बताएंगे, वही बताएंगे जो मैंने सबसे पहले शुरुआत में, क्योंकि उनके ट्रेनर्स के पास एक्सपीरियंस शायद नहीं होती, क्योंकि किसी कंपनी में काम नहीं करते, वो इसी ट्रेनिंग सेंटर से निकलते हैं, एकेडमी निकलते हैं और पढ़ाना शुरू करते हैं, स्टार्ट कर दो। रियल लाइफ के जो थपेरे हैं वो नहीं झेलते, लेकिन मैं पिछले 17 साल से रियल लाइफ की प्रॉब्लम को झेल रहा हूँ। जी हाँ, 2004 से अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम कंपनीज के अंदर में वर्क किए हैं, बड़े बड़े रिपोर्ट्स बनाए हैं और इसी चीज पे हैंडल किए, तो हम बताते हैं कि किस प्रॉब्लम का सलूशन आप किस तरीके से निकालेंगे। तो सीखने के बाद इस तरह के जो अभी एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, डायनेमिक चार्ट हो गया, हाँ, इस तरह के जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, कि बड़े बड़े डेटा है, एक बहुत बड़ा डेटा है, उसको इस तरह के बटन्स है, दिख रहा है आपको सर, ऑटोमेशन है, ये तो छोटी चीज थी। अगर मैं इसी को रिपोर्ट फॉर्मेट में दिखाऊं, एक मिनट दिखा, एक मिनट दीजिएगा मुझे, एक फाइल ओपन करता हूं। तो आप जब एडवांस एक्सेल सीखेंगे तो सीखने के बाद इस तरह के रिपोर्ट को आप इजिली बना सकते हैं। इजिली मतलब कि बिना कोई खास एफर्ट लगाए, मतलब कि बिना गूगल शूगल किए हुए, समझ गए, इस तरह की रिपोर्ट बनाना आपके लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसमें आप भरपूर फॉर्मूले और बाकी क्या बोलते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेटिंग, चार्ट्स, विजुलाइजेशन चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है सर। अब बात करते हैं कि हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसे आपने भी देखा कि मैंने बटन्स इस्तेमाल, तो आप सोचोगे कि ये बटन्स VBS यूज किए हुए, नहीं, ये फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला से वर्क करता है, ये नॉर्मल है, लेकिन इसी में हम डायनेमिक थोड़ा ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कि ये देखिए, चार्ट को हमने स्क्रॉल बार के जरिए कर रखा है, यहाँ पे स्क्रॉल बार करेंगे तो आपका वैल्यू चेंज होता है, ये सब फॉर्मूले से आया हुआ, इसकी VBA की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इससे आगे बढ़ेंगे ऑटोमेशन की तरफ, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपका काम खुद ब खुद हो जाए, किस तरह का काम, जैसे मान लीजिए आप अकाउंट टीम में हैं, आपने सैलरी का पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है एक्सेल में, अब आपके पास सैलरी स्लिप भी है, आप एम्प्लॉय को डालते हैं, सैलरी निकल के आ जाती है। अब सैलरी से आप चाहते हैं कि मेरा सैलरी स्लिप पीडीएफ में, मेरे पास 1500 एम्प्लॉय है, 1500 पीडीएफ ऑटोमेटिक एक फोल्डर में सेव हो जाए और फिर 1500 एम्प्लॉय को मेल भी हो जाए, समझे? Yes. इसके लिए आपको एक्सेल नहीं, इसके लिए आपको वीवी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है और आपके 3 बजे आपको एक मेल आता है आउटलुक पे, और उस मेल की फाइल को डाउनलोड करते हैं और फिर रिपोर्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि 3 बजे ऑटोमेटिकली मेरा ये सब काम ऑटोमेटिक होगा, जैसे आउटलुक में मेरा 3 बजे फाइल आए, फाइल आते ही एक फोल्डर में सेव हो जाए, फिर उस फाइल को ओपन करे, ओपन करने के बाद उसके अंदर डेटा लेके उसके ऊपर जो रिपोर्ट बनानी है बना के मेल करते, मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड, समझ गए?
सर, जैसे ही आउटलुक में मेल आएगी एक पर्टिकुलर मेल आईडी और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन से, मेरा वीवीए कोड उस फाइल, उस मेल में से उस पर्टिकुलर फाइल को एक फोल्डर में डालेगा, फिर फाइल को ओपन करके उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाएगा, फिर एक पर्टिकुलर बंदे को मेल कर देगा। सब का सारा काम कैसे होगा? अपने आप होगा, वो भी कुछ सेकेंड्स में। इसके लिए हम यूज करते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। समझ गया सर? यस अब बात करते हैं कि अगर आप सीखते हैं तो क्या हम डायरेक्ट वीवीए सीख सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट वीवीए के लिए हम किसी को अप्रोच नहीं करते। रीजन क्या होता है, क्योंकि वीवीए प्रोग्रामिंग जब यूज करते हैं उसमें हम उसमें एक्सेल के फीचर्स को ही तो यूज करते हैं। समझ गए? जैसे मान लीजिए मुझे इसके डेटा को सिलेक्ट करना है, अब वीवीए के थ्रू उसको सिलेक्ट, एक्सेल के थ्रू सिलेक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? कंट्रोल ए कर देंगे। अब वीवीए में जाके तो लिखेंगे कि प्रेस कंट्रोल ए। वीवीए में तो आपको लिखना पड़ेगा इसका किस किस फीचर को यूज करता है, पता है? ए कंट्रोल ए किस फीचर को है ट्रिगर करता है। जैसे आप कंट्रोल सी कर देते कॉपी को करता है, कंट्रोल वी करते तो पेस्ट को करता है। कंट्रोल सी किसका करता है? कंट्रोल सी करता है फाइंड रिप्लेस गो टू स्पेशल के अंदर करेंट रीजन। तो मुझे वीवीए में लिखना होगा कि A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट या डॉट कॉपी या जो भी करना चाहते हैं। समझे सर? यस सर, इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सेल की नॉलेज आपको ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर ठीक है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।